दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। हम उदयपुर के उस चिंतन शिविर की बात करें, उसके साथ साथ आज हम राहुल गांधी के एक ऐसे भक्त के बारे में भी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में अहम है, मेवाड़ की धरती पर शर्मा जी करके, जो कि राहुल गांधी के अनूठे भक्त हैं। ये झंडा फहराते हुए उनको देख सकते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये हर सभा में इसी तरह से इसी अंदाज में देखे जाते हैं। मीडिया में इनकी अलग अलग तस्वीरें देखी जाती रही है, लेकिन आज इस चिंतन शिविर में भी वे पहुँचे हैं और जिस तरह से उनका ड्रेसअप है, उनका मेकअप है, इसे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की वे कितने बड़े फैन हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, उदयपुर का टेम्परेचर आज का 44 डिग्री है, लेकिन वे चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। इस टेम्परेचर में भी वे लगातार अपनी श्रद्धा और आस्था यहाँ प्रकट करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। देखिए किस तरह से राहुल गांधी के प्रति उनका अटैचमेंट है, ये उनके ड्रेसअप से ये साफ देखा जा सकता है। हम उनसे जानेंगे, ये भी जानेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ में उनका जुड़ाव हुआ है और कांग्रेस के प्रति ये किस तरह से अपनी विचारधारा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को लेकर लगातार उनकी चर्चा की जाती रही है। शर्मा जी, सबसे पहले तो पूरा नाम बताएं, कहां से आना हुआ और क्या आपका जुड़ाव कांग्रेस से है? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है जी। मैं हरियाणा से हूं, जिला जींद है जी, गांव काकड़ोद है जी। मैंने आज से 12 साल पहले अपने जीवन के संघर्ष की शुरुआत की थी इस कांग्रेस पार्टी के चोले को पहन के और इस राहुल जी को धवज के लेकर पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ चलने का मैंने अपना संघर्ष शुरुआत की थी। संघर्ष की शुरुआत एक संकल्प लेके की थी कि मैं राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। वो वक्त कब आएगा कि जब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उम्मीद और आशा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री हम बनवाएं। राहुल गांधी के प्रति ये इतनी भक्ति किस तरह से आती है, यानी कि उनके प्रति श्रद्धा भाव है आपका या अटैचमेंट है, वो कैसे आता? राहुल गांधी जी बहुत सच्चे इंसान हैं, कोमल हृदय है और जिस कार्यकर्ता से वो जुड़ते हैं तो उसको अपना बना लेते हैं। राहुल जी मेरे से कई दफ़ा मिले हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ। पिछली वर्ष 2021 में 1 अप्रैल को मेरा जन्मदिन आता है। उस वक्त केरल के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, वायनाड के जो लोकसभा क्षेत्र है राहुल जी का, उसमें हम प्रचार कर रहे थे। तो दोपहर का वक्त था, रेस्ट हाउस में राहुल गांधी जी ने मेरे को सरप्राइज़ दिया जन्मदिन के मौके पे, खुद केक अरेंजमेंट करवाया और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को राहुल जी के नज़दीक लाने में और मजबूत करती है। ये जुड़ाव किस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। दोस्त, कोई भी अगर आप काम करो, कोई भी सोचो तो दिल से करना है, कठोर मन दिल से आपको सोच के चलना पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। आज हिंदुस्तान के राजस्थान की इस नगरी उदयपुर में नव संकल्प शिविर का जो हमने नाम दिया है वो चल रहा है, 3 दिन चलेगा, आज उसका पहला दिन है। तो इस संकल्प शिविर से कुछ खास निकल के आएगा। इस संकल्प शिविर में जो सबसे बड़ी मांग, जो सबसे बड़ी एक चाहत लोगों की है, वो निकल के आ रही है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का कार्यकर्ता, बहुत सभी नेता एक ही बात पर अटके हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को राहुल जी अध्यक्ष का काम संभाले तो ये पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, दिनेश जी शर्मा ने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही है, जो भी काम करना चाहिए वो दिल से करना चाहिए और ये दिल से राहुल जी के साथ अटैचमेंट रखते हैं। देखिए, मैं ड्रेसअप आपको बताना चाहूँगा, ये राहुल जी का एक अलग अंदाज में फ़ोटो है और इस फोटो को दिनेश जी ने क्यों सिलेक्शन किया इस ड्रेस के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ नज़र डालें तो पाँव पर इस तरह के छाले पड़ चुके हैं। 44 डिग्री का टेम्परेचर तो उदयपुर का है, उदयपुर के अलावा अगर दूसरे शहरों की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन सभी रैलियों में और सभी मौसम में वे इसी तरह से देखे जाते हैं। जान लेते हैं इस ड्रेसअप का मेकअप, और या यूँ कह सकते हैं कि आपका मेकअप है पूरा अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। आप जब शुरुआत करते हो जी,
तो उस वक्त कुछ और होता है जी। लेकिन जब उस काम के अंदर आप घुसते हो जी, तो आपका प्रयास, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो शुरुआत की थी मैंने, जिस तरह ये भाई है हमारे जी, ये भगवा कलर का जो डाल रखा है, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे पगड़ी बांधी हुई है जी, मैंने अपने सिर पे ऐसे भगवा कलर की पगड़ी बांधी थी शुरुआत में। एक पूरा वाइट कुर्ता था, नीचे से मैंने ग्रीन कलर का उसको पेंट करवाया था और नीचे से ग्रीन धोती मैंने बांधनी शुरुआत की थी। झंडा भी छोटा था, लेकिन जब हम इस काम को लगातार करते हैं तो उसमें अभ्यास हमारा होता है तो और कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर मुझे पता चला कि इस कपड़े पे प्रिंट भी हो सकता है। तो यहाँ हमने देखो, ये अपने मुताबिक यहाँ कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, ये माता जी जो हमारी अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पे बिल्कुल दिल में है, और राहुल जी जो हमारे नेता है जिसको हमने सब कुछ माना है वो यहाँ। बातें जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करी है राहुल गांधी की, दूसरा ऐसा भी मौका आया होगा जब आप हर्टली कहीं कहीं अपने आपको महसूस भी कर रहे हैं, कहीं कहीं मुझे यहाँ पे हर्ट हुआ है, ऐसा कोई मौका है? कांट सोल होता है दोस्त, कोमल इंसान है लेकिन बहुत नाजुक दिल है वो। आप अपने किसी व्यक्ति से जुड़े जब चलते हैं दिल का दिल भाप, तो उस पे कहीं कहीं कांटे भी आते हैं, कहीं इसलिए भी झंडे पे कहीं कभी खुशी कभी गम ये तो चलता रहता है। लेकिन आपको कांग्रेस जो सोच रखी है, जो आपका एक टारगेट है कांग्रेस पार्टी, टारगेट को लेके चलना पड़ेगा। देखिए ऐसे वक्त तो बहुत कम मिलेंगे, हमने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को हर पदाधिकारी को देखा है, लेकिन इनकी जो भक्ति है या इनकी जो अटैचमेंट है वो अपने आप में अनूठी है। जिस पथ पे चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उन चीज़ों का जब सामना करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अगर उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। इस मुल्क में, इस देश में मुझे जन्म मिला, मेरा सौभाग्य है जी। जिस परिवार में मुझे जन्म मिला, मेरे जो माता पिता हैं, ऐसे माता पिता परमात्मा हर किसी को दे। आज तक मैंने कभी कुछ कमाने की सोची नहीं है, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपने दिल से मैं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ जिस तरह स्वर्गीय दादी माँ इंदिरा जी ने इस देश को आगे बढ़ाया, दुनिया में देश का नाम डंक का गुंजाया, उसी तरह जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप देखिए इंदिरा जी के बाद स्वर्गीय श्री राजीव जी थे जिन्होंने जी की हत्या कर दी थी, उसके बाद अगर कोई इस वक्त कांग्रेस परिवार में गांधी फैमिली अगर कोई नेता है तो राहुल जी हैं। आप किसी का भी इतिहास उठाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, माता दादी माँ इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय श्री पंडित राजीव गांधी जी का, और अगर उसके बाद कोई नेता राहुल जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में साख छोड़ के जाएंगे और इस देश को नंबर वन पर लेके जाएंगे, मेरी सोच। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। दिनेश जी से लंबी बात हो गई लेकिन उनका अंदाज अपने आप में अनूठा है, और इस अंदाज को अगर देखते हैं तो इस शिविर की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें लगातार आती जाएगी। ये तो एक फैन है जिन्होंने अपनी श्रद्धा यानी कि अपने अटैचमेंट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वे लगातार राहुल गांधी के साथ बने रहते हैं और जहाँ जहाँ पे भी सभा होती है उस सभा में पहुँचते हैं। उनके इस अंदाज को देख कर कार्यकर्ता पदाधिकारी भी कहीं न कहीं उनके इस खुशी को लेकर जाहिर करते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि जब तक देश में इस पार्टी के साथ इस तरह के लोग यानी कि इस तरह के युवा जुड़ाव रखते हैं तब तक इस पार्टी का जो है वो संगठनात्मक ढांचा लगातार इसी तरह से मजबूत होता जाएगा।